अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो हर साल की तरह इस साल भी छोटी मोटी मैंने वीडियो प्रिपेयर की है, मोटिवेशनल वीडियो है, और जो कि मैं भी देखती हूँ, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो आई होप कि मेरी कोई सिस्टर इसको देखे तो मेरी उनके लिए भी मोटिवेशनल साबित हो। और मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं, आप लोगों को नजर आ रही होंगी, अभी डिटेल में आप लोगों को दिखाती हूँ, और मैंने डिटेल्स इनकी रेसिपीज भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और ये तमाम चीज़ें बनाने का मकसद यही होता है कि आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा सेफ हो जाए, और रमजान मुबारक में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो अपनी इबादत में सर्व करें, और ना कि आप लोग जो है वो किचन में सर्व करें। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर की हैं और विथ जो है वो कम्प्लीट रेसिपीज। तो सबसे पहले बना रही हूँ मैं यहाँ पे चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल। तो सिंपल जो है वो रोल तो बना लेते हैं, लेकिन मैं चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल इसको चिकन टिक्के का फ्लेवर दूंगी ताकि थोड़े से स्पाइसी हो जाएंगे। तो इसके लिए वेजिटेबल्स आपको नज़र आ रही हैं, कैप्सिकम है, और इसके अलावा गाजर है, मटर है, शिमला मिर्च है, हरा प्याज है, और साथ स्वीट कॉर्न है। तो ये कोई भी जो वेजिटेबल है ये जो है वो पक्की नहीं है, सिर्फ जो कॉर्न है वो बॉइल्ड है, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो रॉ हैं। और ये जो है वो रोल पट्टी है, और यहाँ पे जो चिकन है ये चिकन टिक्का फ्लेवर की है, और किस तरीके की है मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ये किस तरीके से बनाई है, और बनाने के बाद मैंने इसको श्रेडेड कर लिया है। तो चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने क्या किया है, सिंपल चिकन टिक्का जिस तरीके से आप बनाते हैं आप लोग उसको ईजिली प्रिपेयर कर सकते हो, जिस तरीके से आप बनाते हो मैंने किस तरीके से किया है। मैंने यहाँ पर लिया है योगर्ट, उसमें मैं डाल रही हूँ कोई भी चिकन टिक्का या तंदूरी मसाला। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा नमक है, काली मिर्चें हैं, साथ लेमन जूस है काफ़ी सारा, गार्लिक पाउडर है, और जो है वो ये मैं लेमन जूस डाल रही हूँ, लेमन जूस मैंने आपको बता दिया है। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने चिकन पे जो है वो डीप कट लगा लिए, और तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने मैरिनेट कर दिया है। उसके बाद मैं इसको पैन में ही बना लूँगी, फ़ौरन बन जाएगा। थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत होगी तो डाल दूँगी, लेकिन योगर्ट का अपना पानी निकल आएगा, तो ये आराम से जो है वो टेंडर हो गया था मेरा चिकन टिक्का पैन के अंदर ही, स्टीम, एक तरीके से स्टीम रोस्ट कह सकते हो आप इसे, करने के बाद मैंने इसको बना के श्रेड कर लिया था। तो बैटर के लिए चिकन टिक्का मैंने अभी आप लोगों के सामने रेडी किया, उसको मैंने श्रेड कर लिया। पैन एक लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून, उसमें मैंने डाली है अपनी वही चिकन टिक्का श्रेडेड हुई हुई, और वेजिटेबल्स मैंने बारीक कट की हुई हैं, तो वो मैं एक एक करके इसमें डालती रहूँगी चिकन के साथ, और उसको अच्छे से सौते करती रहूँगी। वेजिटेबल्स मेरी ऑलमोस्ट जो है वो सौती हो गई हैं अच्छे से। अब मैं इसमें डालना शुरू करूँगी अपने स्पाइसेस। यहाँ जा रहा है 2 टेबल स्पून के करीब विनेगर, 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है सोया सॉस। मेरे पास डार्क था तो इसलिए मैंने जस्ट 1 टेबल स्पून लिया है। ये है जी चिली सॉस, तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम लिया है, क्योंकि हम लोग स्पाइसेस कम यूज़ करते हैं इसीलिए। और अभी इसमें टिक्का मसाला भी जाएगा, और ये डर जा रहा है जी इसमें काली मिर्चें, नमक गया है, और मैगी चिकन क्यूब का पूरा होल पैकेट मैंने इसमें जो है वो तोड़ के डाल दिया है, और लास्ट में चिकन टिक्के का फ्लेवर कम्प्लीट करने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला किसी भी ब्रांड का। तो ये हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं अच्छे से रोल की पट्टी में रख के रोल फॉर्म कर लूँगी, और फिर मैं उसको फ्रीज कर दूँगी रोल बना के रमजान मुबारक के लिए। जी तो यहाँ नेक्स्ट रेसिपी
प्लानिंग बनाने लगी थी मैं बीफ के सीख कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसकी रेसिपी क्या है मेरी तरफ से, चले मैं आपको बताती हूँ। मिन्स लिया है मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब, और मशीन का मिन्स है ये। यहाँ पे स्पाइसेस क्या हैं, सीख कबाब मसाला है किसी भी ब्रांड का, साथ में ज़ीरा और धनिया का पाउडर है, साथ में चाट मसाला है, साथ में ये कुटी हुई लाल मिर्च, धरधरी मिर्च जिसको आप कह लें, गर्म मसाला पाउडर है, पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक है। मिर्चें हम लोग कम यूज़ करते हैं इसीलिए मैंने कम ली हैं, आप लोग अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट के भी डाल सकते हैं अगर कोई मेरी सिस्टर इसको ट्राई करें तो। ये हरी मिर्चें और लहसुन अदरक को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है, और ये प्याज है इसको भी मैंने चॉप किया हुआ है चॉपर में डाल के, और साथ में बेसन है। और क्या क्या चीज़ें इसमें डलेंगी वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि मैं और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। तो अभी मैं मिक्सिंग स्टार्ट करने लगी थी, तो आप देखिए मैंने मिन्स ले लिया है, मिन्स के अंदर मैं तमाम जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं वो डाल दूंगी, और साथ में बेसन और हरी मिर्चें, अदरक लहसुन प्याज, ये तमाम चीज़ें एक साथ शामिल कर दूंगी। सीख कबाब में तमाम चीज़ें एक साथ ही शामिल हो जाएंगी। साथ में मैं 1 टेबल स्पून ऑयल का शामिल करूँगी, साथ में 1 से 2 चुटकी जाएगा इसमें बेकिंग सोडा जो होता है खाने वाला सोडा वो जाएगा, और इसको अच्छे से मिक्स देने के बाद मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के करीब फ्रिज में छोड़ दूंगी ताकि कीमा जो है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए कबाब की फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि अभी ये बिल्कुल बारीक हुआ हुआ है कीमा। तो टिप मैं आप लोगों को दूं कि अगर आप लोग भी कीमा इस तरह बनाओ तो ज़रूर उसको फ्रिज में रखो रेस्ट देने के लिए थोड़ी देर, उसके बाद आप जो है इसके अच्छे से कबाब फॉर्म करके आप उसको डायरेक्ट फ्रीज़ कर दो, या सेमी, मैं जो हूँ वो सेमी कुक करके करती हूँ फ्रीज़। इस तरह कबाब जब आप दोबारा उसको फ्राई करते हैं तो उसका पानी नहीं छोड़ते, लेकिन अगर आप इसको ऐसे फ्रीज़ कर देते हैं तो कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा जब आप उसको गर्म करते हैं या फ्राई करते हैं तो वो पानी छोड़ देते हैं। तो यहाँ आप तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद कीमा मैंने फ्रिज से निकाला है, और यहाँ मैं इसको कोयले का स्मोक दे रही हूँ जो कि कबाबों में जो है वो 4 चांद लगा देता है स्मोक कोयले का, और जल्दी से मैं इसके कबाब फॉर्म कर लूँगी और उसको हल्का सा सेमी में कुक कर लूँगी, और फिर उसको मैं कर दूँगी फ्रीज जिपलॉक में डाल के रमज़ान के लिए। नेक्स्ट रेसिपी जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ वो है बीफ रिशा कबाब। ये तकरीबन बीफ के जो शामी कबाब हमारे यहाँ बनते हैं उसी तरीके के हैं, लेकिन इसमें बीफ रिशा होकर डलेगा, तो किस तरह डलेगा चलिए आपको इसकी रेसिपी देती हूँ। तो स्पाइसेस जो हैं ड्राई वो ये सारे हैं, साबुत वाली लाल मिर्चें हैं, पीपली है, हल्दी पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा है, साथ में अदरक और लहसुन साबुत है, और उसके अलावा यहाँ पे जो है वो दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बादियान का पूरा फूल है 1 से 1.5, और तकरीबन इसमें लौंगे हैं और काली मिर्चें मिसिंग है, तो अभी मैं इसमें काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ। तो ये तमाम ड्राई स्पाइसेस इसमें जाएंगे। तो चने की दाल को मैंने हल्का सा बॉयल एक दे दिया, और उसके बाद मैंने उसका पानी जो है वो उसके अंदर ही है। अभी जो चने की दाल मैंने ली है तकरीबन मैंने पूरी 1/2 किलो चने की दाल ली थी, लेकिन 1/2 किलो से कम इसमें चने की दाल गई है, और 1/2 किलो ही मैंने इसमें बीफ लिया है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ में जो सारा ड्राई स्पाइस है जो कि मैंने आपको दिखाया है वो इसमें डाल दूँगी। साथ में मैं इसमें डालूँगी पानी, तकरीबन 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी डालूंगी, इतना पानी डालूंगी कि वो इसी में ही एब्जॉर्ब हो जाए। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी कनौर, जो मेरे मैगी के चिकन क्यूब हैं, कनौर हो मैगी हो, तो मैगी हमें यहाँ इजीली मिल जाता है तो मैं मैगी यूज़ करती हूँ। वैसे मुझे पर्सनली जो है वो कनौर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैगी के मैंने क्यूब इसमें डाल दिए हैं दोनों, इससे और मज़े का टेस्ट आ जाएगा। और इसको उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे आप लोग शामी कबाब ट्रीट करते हैं अपने, एक उबाल आए तो उसको कवर कर दें, उसके बाद ये देखें अच्छे से टेंडर हो गया है यहाँ पे, और दोनों चीज़ें अच्छे से गल गई हैं। इसमें थोड़ी मेहनत ये होगी कि बीफ जो है वो अलग से निकाल के और फिर उसका मैं हाथ से रेशा करूँगी, तो मैं 2 फोर्क यूज़ करूँगी इसका रेशा करने के लिए, और उसके बाद जो है मैं तमाम चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। साथ में मैं इसमें हरा मसाला ऐड करूँगी और इसके अच्छे से कबाब जो है रेडी करके फ्रीज़र में पहले उसको मैं फ्रीज कर लूंगी, और उसके बाद उसको जिप लॉक में डाल के रमजान के लिए सेव कर लूंगी।
बनाते हुए मैं बाइंडिंग एजेंट के तौर पे अंडा यूज़ करूँगी, साथ हरा मसाला जो आप लोगों को अच्छा लगता है, धनिया पुदीना मिर्चें हरी और प्याज, ये तमाम चीज़ें मैंने बारीक चॉपर में टैपरे डाल के चॉप कर ली हैं और उसके बाद मैंने इसको मसाले में ऐड कर दिया है और अच्छे से इसके कबाब जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। और उसके बाद मैंने ये देखिए दोनों डिशेज़ में शामी कबाब को पहले फ्रीज़र में जमा लिया था और उसके बाद मैं इसको जिप लॉक में डाल दूँगी तकरीबन 3-4 घंटे के बाद कि ये मैंने क्लिप जो है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की है। तो आई होप आप लोगों को देखने में अच्छी लगेगी और आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट मैरिनेशन हो रही है तैयार, वो है चिकन मलाई टिक्का या चिकन क्रीमी टिक्का। तो यहाँ मैंने चिकन को साफ़ करने के बाद डीप कट लगा लिए हैं और चिकन आप लोग देख रहे हैं जितनी है उसके हिसाब से ही मैं योगर्ट और तमाम मसाले लूँगी। तो मैंने लिया है इसमें योगर्ट, फुल फैट फुल क्रीम योगर्ट है ये। उसके अलावा मैंने लिया है इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के मैंने लिया है। साथ में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तंदूरी मसाला, ये है किसान ब्रांड का, इंडियन ब्रांड है ये, अच्छा होता है, इसका लेकिन शान का भी बहुत मज़े का होता है। तो मैं हमेशा थोड़ा सा मसाला बाहर का यूज़ करती हूँ और बाकी ज़्यादातर मसाला अपना यूज़ करती हूँ। और यहाँ मैं डाल रही हूँ ये सॉस BBQ, अगर मेरी कोई सिस्टर्स रहती हैं कैनेडा में या अमेरिका में तो ये उनको ईजिली मिल जाएगी, बहुत मज़े का टेस्ट आता है टिक्के में। साथ मैंने जो है वो काली मिर्ची पिसी हुई ऐड की हैं, साथ में यहाँ चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ ऐड करूँगी जी क्रीम, पक क्रीम में यूज़ करूँगी। अभी मैंने नमक ऐड किया है, मैं इसमें अब क्रीम यूज़ करूँगी, मैं पक क्रीम यूज़ करती हूँ। मैंने इसका नया केन ओपन किया है, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें क्रीम ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूंगी या बटर डाल लें आप और इसको अच्छे से मिक्स दे दूंगी मैं। और यहाँ मेरी मैरिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैं चिकन को एक एक करके इसमें अच्छे से मसाज दे दूंगी और इसको मैं डाल के जिप लॉक में अपने फ्रीज़र में सेव कर लूँगी रमदान के लिए जी। तो यहाँ जब भी मैं चिकन की मैरिनेशन रेडी करती हूँ तो मैं साथ ही मसाला थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि मैं उसी मसाले में फ़िश को जो है वो मैरिनेट करती हूँ और ट्रस्ट मी इसी मसाले से फ़िश जो है वो बहुत ही मज़े की, इसको मैं बेक करती हूँ, फ्राई नहीं करती, तो ये बेक्ड फ़िश जो बन जाती है बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये टूना फ़िश अभी मैं ट्राई करने लगी हूँ, इसको भी मैं फ्रोज़न कर दूँगी रमदान के लिए। तो ये रमदान के पहले अशरे में इंशाल्लाह ताला मेरे जो है वो चल जाएगी, ये किसी दिन मैं फ़िश बना लूँगी और किसी दिन मैं टिक्का यूज़ कर लूँगी। तो मैंने देखें इसी के साथ ही चिकन के साथ ही मैंने फ़िश के फ्लेट भी रख दिए हैं, लेकिन साथ ही ऊपर मैं थोड़ा सा शान का जो लाहौरी फ़िश मसाला है वो हल्का सा स्प्रिंकल कर दूँगी, उसको टैप कर दूँगी ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से और फिर अलग से बैग्स में डाल के मैं दोनों चीज़ों को सेव कर लूँगी रमज़ान मुबारक के लिए। जी तो जनाब नेक्स्ट तैयारी में करने लगी थी होममेड बूंदी की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं प्रेफर करती हूँ बूंदी की दही चाट या दही भले जो होते हैं, मैं जो दही बड़े वगैरह बनाना प्रेफर करती हूँ वो मैं बूंदी के ही करती हूँ। और बूंदी के जो है थोड़ा लाइट वेटेड भी होते हैं, खाने के बाद हैवी भी फील नहीं होता और जैसे ये पानी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इसका सारा ऑयल जो है वो पानी में चला जाता है। तो यहाँ मैं बूंदी के लिए मैंने लिया है बेसन, अजवाइन डाल रही हूँ, ज़ीरा डाल रही हूँ, नमक डाला है, साथ में मैं डालूँगी इसमें मीठा सोडा, खाने का जो सोडा होता है वो डालूँगी और पानी डाल के मैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो तकरीबन थोड़ी सी गाढ़ी रखूँगी क्योंकि मैं इसको अभी जिप लॉक में डाल के जो है वो बूंदी फॉर्म करने वाली हूँ, तो उसको टैकल करना ताकि मेरे लिए आसान हो। तो वो लोग जिनके पास कोई टूल नहीं है, कोई नेट नहीं है, वो आराम से इस तरह बूंदी को जो है वो मेरी इस रेसिपी के साथ आराम से घर में ट्राई कर सकते हैं, बड़ी इजी तरीके से बन जाएगी। अभी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो जिप लॉक में डालूंगी और इसके जो होल को मैं कट करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर लूँगी कितनी मोटी मुझे चाहिए, और एक दो बल्कि मैंने इसमें और होल कर लिए थे जब मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मेरी हो गई है। जब मैं शुरू में बनाती थी तो मैं एक ही होल करती थी, लेकिन अब मैं 2-3 होल कर लेती हूँ, आराम से जो है वो मुझसे इस तरीके से टैकल हो जाता है और तमाम बूंदी आराम से घर में रेडी हो जाती है। बस ऑयल जो है वो आपने दरमियाना गर्म रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे डालेंगे तो एकदम जल जाएगी, इस चीज़ का ख्याल करें और जल्दी से बना के जल्दी से निकालें, हवा में ठंडा करें और इन्जॉय करें घर की बनी हुई बूंदी।
व्यूअर्स, अब शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मज़ेदार से चिकन पेटीज़ बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। अगर आप बनाएंगे मेरी रेसिपी से तो ज़रूर मुझे दुआएं देंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। पफ पेस्ट्री रेडीमेड है, मैंने आपको दिखाई मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, आप लोग कोई भी यूज़ कर लें। साथ में जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो ये हैं, काली मिर्चें और गार्लिक पाउडर है, साथ में नमक है, 2 टेबल स्पून मैदा है। बटर यूज़ कर लें या देसी घी यूज़ कर लें, मेरे पास बटर अवेलेबल नहीं था तो मैंने देसी घी यूज़ किया। 1 गिलास के करीब मैंने मिल्क लिया है, साथ में मैंने ढेर सारा प्याज लिया है और यहाँ पे चिकन को मैंने नमक मिर्च और साबुत थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया, साथ में श्रेड कर लिया। और यहाँ पे मैं कटर यूज़ कर रही हूँ ये पेटीज़ के, और आज मैं पेटीज़ कटर से कट करूँगी और देखूँगी कैसे बनते हैं, फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले बटर रेडी करने लगी हूँ मैं पेटीज़ के लिए, मज़ेदार सा और बहुत जल्दी झटपट रेडी हो जाएगा लेकिन बहुत मज़े का बनेगा। तो मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, बटर डालना है तो बटर डालने मैंने देसी घी यूज़ किया है। साथ में मैंने बड़ा सा एक प्याज था वो मैंने बारीक बारीक जिस तरह हम लोग ऑमलेट बनाते हैं उसके लिए उस तरीके का कट कर लें, और जब वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, ट्रांसलूसेंट सा हो जाए तो फ़ौरन उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून मैदा डाला है। अब जो काम है वो जल्दी जल्दी करना होता है पेटीज़ में, वरना ये कि सारा बैटर जो है वो या तो प्याज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी राइट तो ख़राब हो जाएगा। साथ में जल्दी से मैंने दूध डालना है ताकि मेरा मैदा नीचे से जो है वो जले ना, चिपके ना। साथ ही काली मिर्च डालनी है, वाइट पेपर डाल दें, नमक डाल दें। साथ में मैं इसमें डालूंगी दूध, थोड़ा सा और शामिल करती रहूंगी क्योंकि कंसिस्टेंसी मुझे अपने हिसाब से करनी है। और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ पूरा चिकन का क्यूब का एक पूरा पैकेट, जिससे टेस्ट जो है वो और मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। लास्टली मैं इसमें डालूंगी चिकन बॉयल्ड और श्रेडेड, और ये देखें बैटर ऑलमोस्ट जो है वो रेडी होने वाला है। अगर थिक लगे तो अकॉर्डिंग आप अपने इसमें मिल्क जो है वो शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये कि इसको जो है वो बहुत ज़्यादा पतला पतला आपने पेस्ट नहीं रखना है, वरना आपकी पेटीज़ जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये एक टिप है जो कि मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इसका जो बैटर है वो तकरीबन इतनी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए और ट्रस्ट में बहुत मज़े का जो है वो चिकन पेटीज़ आपके रेडी होने वाले हैं। लास्ट में मैं इसमें डालती हूँ पार्सले, जो कि टेस्ट जो है वो और मज़ीद निखार देते हैं पेटीज़ का। तो बस अब मैं पफ पेस्ट्री को कट कर लूँगी, इसमें पेटीज़ को फिलअप करूँगी इसकी बैटर को जल्दी जल्दी से, और अलग अलग शेप्स की पेटीज़ रेडी कर लूँगी। और इस दफ़ा मैं पेटीज़ बहुत छोटे बना रही हूँ ताकि क्रेविंग पूरी हो जाए पेटीज़ की और मज़ेदार सी खाने की चीज़ों की, और साथ में डाइट जो है वो भी चलती रहे। बस एक पेटीज़ इनफ होगा, ये बिल्कुल एक बाइट साइज़ का आई थिंक बनेगा, लेकिन ये कि बहुत होगा क्योंकि मैं कुकी कटर से बना रही हूँ इसलिए छोटा सा बनेगा। और साथ में मैंने लिया है पानी, पानी के साथ मैं एक हिस्से में रखूँगी बैटर, दूसरे हिस्से पर मैं लगाऊँगी पानी, और अच्छे अच्छे से पेटीज़ जो है वो फॉर्म करके सारे तैयार कर लूँगी, फ्रीज कर लूँगी, उसके बाद इसको निकाल के जिप लॉक में सेव कर लूँगी रमादान के लिए। जी तो अपनाने लगी हूँ मैं मज़ेदार से सबके फेवरेट समोसे, समोसा पट्टी पहले मैं रेडी करने लगी हूँ। मैं आलू के समोसे की पट्टी जो है वो घर में रेडी करती हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेडी होती है। तो चलिए इसकी थोड़ी सी रेसिपी आप लोगों के साथ आपको जो है मैं देती हूँ। मैंने 2 कप मैदा लिया है, साथ में मैं ज़ीरा और अजवाइन डाल रही हूँ, पानी डालूँगी और उसके बाद मैं इसकी जो है वो काफ़ी सख्त सा जो है डो मुझे रेडी करना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं, आटा से हम गूंथते हैं उसे थोड़ा सा सख्त करना है बस सिर्फ, और उसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट देना है। फिर मैं पेड़े फॉर्म कर लूँगी, तकरीबन 5 के करीब मेरे पेड़े जो है वो बने हैं, उसके बाद मैं उसको दोबारा जो है वो 15 से 20 मिनट का रेस्ट दूंगी कवर करके, और फिर उसके बाद मैं तमाम 5ों को एक साथ बेल लूँगी, और फिर एक एक रोटी टाइप की जो मैं बेलूंगी उसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी, पहले ब्रश से या आप चमचे से लगा लें, और उसके बाद मैं इस पर मैदा स्प्रिंकल कर दूँगी और 5ों रोटियों को एक के ऊपर एक रख के जो है वो इस तरीके से, ये 5ों मैंने पहले देके बेल ली हैं, उसके बाद बस मैं इतनी छोटी पहले रखना, उसके बाद इसमें इस तरह ऑयल लगा लूँगी, उसके बाद मैंने इस पर इस तरह मैदा स्प्रिंकल करना है और 5ों को इस तरह देके साथ रखे मैंने बेल लिया है। अब मैं इसको बड़ा कर लूँगी जिस तरह हम रोटी बेलते हैं, और तवा गर्म करने के बाद साथ ही मैंने तवे पर डाला है, और ये हल्की सी सिकेगी तकरीबन 1 से 2 सेकेंड
तकरीबन आप एक एक मिनट आप पूरा जो है वो इसको सेक लें, और ये देखें इस तरीके से फिर इसको आप तवे से उतारेंगे तो ये एक करके एक एक परत जो है वो इसकी अलग होती रहेगी, और ये हमारी समोसा पट्टी घर में ही बड़ी अच्छी सी जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसकी फिलिंग रेडी करने लगी हूँ, तो उसके लिए मैंने आलूओं को पहले बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद मैंने मैश करके रखा हुआ है। साथ मैं डालूंगी इसमें अपनी फेवरेट जो है वो वेजिटेबल्स, उसमें है मटर, गाजर, हरा प्याज है, उसके बाद साथ में जो है वो बंद गोभी है। और बैटर अब मैं इसका रेडी करने लगी हूँ मसालेदार सा, तो उसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, लहसुन को मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है, साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अनियन, और अनियन को मैंने ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज होगा, तो साथ ही मैं इसमें पहले वो वेजिटेबल डाल दूँगी जो देर में गलती है, मतलब मटर डाल दूँगी, साथ में मैं इसमें गाजर डालूँगी, एक एक करके जो वेजिटेबल जितना टाइम लेती है पहले वो जाएगी, उसके बाद गाजर जाएगी, फिर उसके बाद एंड में जो है वो हमारी ये बंद गोभी जो है वो ये चली जाएगी। तो इस तरीके से आलू और ये मिक्स वेजिटेबल समोसे बहुत मज़े के रेडी हो जाते हैं। साथ इसमें स्पाइसेस की बारी आएगी, तो मैंने क्रश वाली रेड चिली डाली है, ज़ीरा और धनिए को मैंने क्रश करके जो है वो रखा हुआ था वो पाउडर गया है, पिसी हुई लाल मिर्च गई है, नमक गया है, साथ इसमें एक अचार का मसाला होता है जिसमें राई, कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ, ज़ीरा ये होता है वो मैंने डाला है। साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्चें जो मेरी क्रश्ड हैं वो। अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी आलू, अच्छे से इसको मिक्स दूँगी, हरा धनिया डालूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी, थोड़ा सा पुदीना डालूँगी, और लास्ट में मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी, और ये मेरा बैटर बिल्कुल रेडी है। पट्टी मैंने आपके सामने रेडी की है, अब मैं अच्छी सी फिलिंग जो है वो अपने समोसा पट्टी में लगा भर लूँगी, और साथ ही साथ इसको फ्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बना लें और एक साथ ही सारे जिप लॉक में डालें और इसको सेव कर लें रमदानुल मुबारक के लिए। और माशाल्लाह से घर में पट्टी रेडी करने से समोसे बहुत ही अच्छे नीट और क्लीन जो है आपको नज़र आ रहे होंगे कि बन रहे हैं, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे जो है वो समोसे, अच्छे खासे बड़े बड़े समोसे रेडी हुए हैं, और बहुत ही अच्छे से जो है वो माशाल्लाह से घर में ही इतने अच्छे तरीके से सफाई से सुथराई से इसकी फिलिंग भी रेडी हो गई है, साथ में पट्टी भी रेडी हो गई है। जी तो हमने इतने मज़े मज़े की चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो इसके साथ खाने के लिए एक ऑल पर्पज़ चटनी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, तो चटनी की रेसिपी जी हाजिर है आप लोगों के लिए। उसके लिए मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, ज़ीरा, साबुत वाली लाल मिर्च, इमली का पल्प और नमक, ये सब चीज़ें जो है वो ले ली हैं, और अब मैं इनको एक साथ ब्लेंडर में डाल दूँगी। और इमली को मैंने, ये मेरी सीडलेस इमली थी, टैमरिन थी, ये मैंने ओवर नाइट जो है वो इसको सोक कर दिया था, तो ये अच्छे से जो है वो फूल गई है। तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने जो है वो हैंड ब्लेंडर में डाल दी हैं, साथ ज़ीरा डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, लहसुन धो के डाल दूँगी और साबुत गोल वाली मिर्च लूँगी, पानी डालूँगी, वैसे मैं इमली का ही इसमें, बाकी और भी पानी शामिल करूँगी, और मेरी मज़ेदार सी ऑल पर्पज़ चटनी जो है वो रेडी हो गई है मिनटों में। और इसको प्रिजर्व करने के लिए, जिसका कलर चेंज ना हो, टेस्ट चेंज ना हो, मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून के करीब सिरका और 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल, और इसको किसी जार में डाल दूँगी, सेव कर लूँगी, और मेरी ये चटनी चलेगी पूरा महीना। इमेजिन कर सकते हैं आप लोग कि ये चटनी मेरी पूरी चल जाएगी। तो बड़ी मज़े की खट्टी चटनी, खटास इसमें ज़्यादा है, मिर्चें इसमें कम है। मैं इसको यूज़ करती हूँ दही बड़ों में भी, दही बड़े बनाने के लिए मैं दही में ऐड कर देती हूँ, और अगर मैं कोई कबाब ले रही हूँ तो उसके साथ इसको ले लूँगी, और रोल पराठा बनाऊँगी तो उसके साथ इसको ले लूँगी, समोसों के साथ ले लूँगी, और चने की चाट बनाती हूँ तो उसमें इसको ऊपर से डाल लेती हूँ। ये कि ऑल पर्पज़ चटनी है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। जी तो वीडियो आप लोगों ने देख ली है, कैसी लगी है, वीडियो को ज़रूर आप लोग जो है वो लाइक कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हो सके तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। और आप लोगों के लिए और भी मज़े मज़े की वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में भी आएंगी, और अभी रमज़ान से पहले भी आएंगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपसे फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।